जब हम अपने सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम दे रहे थे तो एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा पीरियड पेन के कारण वो पढ़ नहीं पाई और उसका एग्ज़ाम बहुत बुरा हुआ। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, तो उसने बोला मैं पिल्स नहीं ले सकती क्योंकि मेरे को उससे मेरा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। तो हमें फिर से दोबारा से ये चीज़ लगी कि हाँ हमें इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना चाहिए, सो दैट कि जितनी भी हमारी जो एज की लड़कियाँ हैं जो कंट्री का फ्यूचर हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस ना हो और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। मैंने पहले वाले सारे सॉल्यूशंस देखे और देन मैंने रियलाइज़ करा कि कुछ ऐसा क्या हो सकता है जो पोर्टेबल हो, नेचुरल हो और आसान हो यूज़ करने के लिए। सॉल्यूशंस देखे क्या क्या सॉल्यूशंस ऑलरेडी मार्केट में या लड़की और ऑलरेडी क्या करती है, तो मुझे पता लगा वो पिल्स लेती है, मतलब पेन किलर्स लेती है जो उनका मेटाबॉलिज्म ख़राब कर देता है एंड उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा जो क्रीम्स आती है ये इतने इफेक्टिव नहीं होते पीरियड्स में क्योंकि इनका मैकेनिज्म और कुछ होता है, जो पीरियड्स का जो दर्द होता है उस पे वर्क नहीं करते ये। देन हॉट वाटर बैग्स, मतलब कि जो गर्म पानी की जैसे थैली रहती है उसको लगाते हैं अपने पेट पे, पैर पे, इधर उधर, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम रहती है कि उनको जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप कहीं पर जा रहे हैं या आप अपने वर्क प्लेस पर है, स्कूल में है, ऑफिस में है, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। 300 वुमेन का सर्वे लिया था स्टार्टिंग में इस प्रॉब्लम को जानने के लिए, तो हम डेली जाते थे, पता करते थे कि कैसी प्रॉब्लम है कैसी प्रॉब्लम नहीं है इधर उधर। तब स्कूल में मैं अपने स्कूल में भी गया था क्योंकि स्कूल की जो स्कूल एज की जो गर्ल्स होती हैं उनसे सर्वे लेना ज़रूरी था, कॉलेज एज की गर्ल्स से अलग सर्वे लेना ज़रूरी था। तो फिर हमें इसके दौरान ये पता लगा दैट आफ्टर प्रेगनेंसी पीरियड पेन कम हो जाता है एंड बिफोर प्रेगनेंसी पीरियड पेन ज़्यादा रहता है। तो हमने फिर अपना जो फोकस था फ्रॉम 14 टू 28 वाली लड़कियों पे रखा, तो अराउंड 150 वुमेन के साथ मैंने लैब टेस्टिंग करी, प्रोडक्ट उनको दिया मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बोला कि मेरे को रिजल्ट्स बताओ कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते। तो उस 10-15 अलग अलग काइंड के सैम्पल्स बनाए थे मैंने विद डिफरेंट फार्मूलेशंस। एब्सोल्युटली नेचुरल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था एंड डर नहीं था, एंड मेरा फ्रेंड ऑब्वियसली मुझे तो कुछ हार्मफुल मतलब हार्मफुल देगा नहीं, तो इसलिए फिर जब मैंने अप्लाई किया तो इट वॉज ओके। उस टाइम पे जब हम टेस्ट कर रहे थे तब स्ट्रॉन्ग स्मेल था, बट देन ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट पूरा फाइनल आया तब सब कुछ इट वॉज क्लियर। जो पीरियड का पेन होता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन के चक्कर में होता है कि जो मसल्स होती हैं वहाँ पर कम ऑक्सीजन जाती है और वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है या क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, एब्डोमिनल एरिया में रहते हैं, बैक में रहते हैं और लेग्स में रहते हैं क्रैम्प। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में पहले कूल करता है उस एरिया को, देन हीट करता है, स्पेसिफिकली पीरियड्स के लिए बनाया गया है, तो ऐसा अभी तक मार्केट में कुछ नहीं है। जो लड़के लड़कियों के कांटेक्ट में होते हैं उनको पता रहता है कि जब वो डेज आते हैं पीरियड वाले तो कितना ज़्यादा मूड स्विंग्स रहता है, कितना मूड ख़राब रहता है, तो सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। पीरियड पेन इज वेरी प्रेवलेंट इन वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। एक मेल सोच रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस वन स्मॉल प्रोडक्ट वो अगर हेल्प करेगी उस औरत को देन इट्स रियली यूजफुल।